दुष्टों से हार करने के लिए। धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर बार बार धरती पर आते हैं, you
साधुना बिना चार्य चतुष्कृता धर्म संस्थापना खाया सपवावी युगे युगे अजय शर्मा सर्कल इंस्पेक्टर सिटी मार्केट। इस एरिया में पोस्टिंग के लिए काफी खर्च किया होगा ना, बट गुड इन्वेस्टमेंट। शराब कबाब शबाब सभी शामिल होगे ना। तुम्हें सरकार देती है महीने 10,000 रुपए और ऊपर की कमाई मिलती है 2,00,000 रुपए रिश्वत। बड़े चालाक हो। बैठो बैठो। वीरदास इंस्पेक्टर सुब्रमण्यम नगर। अरे हाँ, जितनी शराब की दुकानें सिटी में हैं, उससे ज्यादा तुम्हारे इलाके में शराब की दुकानें जहाँ डुप्लीकेट शराब बिकती है। ये सब इसके इशारे से ही होता है। वीरदास वीरदास। बैठो बैठो बैठो। दिनेश कालिदास सुरेश रामलाल तुम सब भी शामिल हो ना। बैंगलोर के सभी पुलिस स्टेशन यानी हमारे डिपार्टमेंट को जानते हो कितनी रिश्वत मिलती है? हर महीना 1.5 करोड़ रुपए। एक्सलेंट। लुटेरा चोर डाकू भड़वा दलाल इन्हीं नामों से जाने जाते हैं हम। यह सब मैं नहीं बोल रहा हूं, यह सब हमें इन्हीं नामों से नवाजा है जनता ने। क्यों? क्योंकि तुम सब भ्रष्ट हो। टेलर का बेटा मार्केट में आता है तो कहते हैं टेलर का बेटा आया है। एक टीचर का बेटा मार्केट में आता है तो कहते हैं टीचर का बेटा आया है। मगर जब हमारे बेटे मार्केट में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं जानते हो? That's right. क्यों यार, क्यों ऐसे घूर रहे हो? मो मुंबई में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर काम करने वाला व्यक्ति बेंगलोर में कमिश्नर के पद पर कैसे नियुक्त हो गया? हाँ, यही सोच रहे हो ना? हाँ? सुनो, आज बेंगलोर में होने वाले क्रिमिनल एक्टिविटीज के कारण सिर्फ दो ही है। एक है जेडी, दौलतमंद कई बिजनेस का मालिक अपने दौलत के बल पर गैर कानून काम करवा लेता है। दूसरा है मारीगुड़ी, राजनेताओं से संबंध होने के कारण अपराध कर रहा है। इन दोनों गुरु चेलाओं में फूट पड़ गया है और आज एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं। इनकी दुश्मनी के कारण आम जनता प्रभावित हो रही है, उनका कानून पर से विश्वास उठ गया है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने मुझे यहां कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया है ताकि जनता फिर से कानून पर विश्वास करने लगे। अपराध को जड़ से उखाड़ दूं। ये अपराध हटाएंगे? मैंने अपनी सर्विस में ऐसे बहुत अफसरों को देखा है। निशाना चूक गया सोच रहे हो? हैं? निशाना लगाए ही चूकने के लिए। राहुल हो गया। वन मिनट डेड। ये एमएलए चंद्र शर्मा की बात तो कोई सुनता ही नहीं है। खराब हो गया, सब खराब हो गया। अलग होते ही मैंने तुमसे कहा था मारीगुड़ी को खत्म कर दो, तुमने सुना क्या? क्या हुआ जानते हो? तुम खूब कमाई करते हो क्योंकि तुम्हारी दवाइयों की फैक्ट्री में डुप्लीकेट दवाइयां बनती हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर वो मारीगुड़ी तुम्हें फंसाना चाहता है। भेज दिया, दिल्ली हेल्थ मिनिस्ट्री को भेज दिया। प्रकाश वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑफिसर, क्योंकि
उन्हीं सबूतों के आधार पर वो तुम्हारी फैक्ट्री को जल्द से जल्द सील करना चाहता है। ये खबर उसने फोन पे बताई मुझको। मैंने उससे कहा कि केस को रफा लफा कर दो, 5 लाख क्या, मैं तुम्हें 50 लाख देने के लिए तैयार हूँ। उसने कहा ये लोगों की सेहत का सवाल है, 50 करोड़ देने से भी मैं नहीं छोड़ूंगा, और सीधा दिल्ली चले गए रिपोर्ट लेकर, और अपनी रिपोर्ट हेल्थ मिनिस्ट्री के टेबल पे रख दी। अब तुम्हारी फैक्ट्री को गारंटी सील कर देंगे, अब क्या करोगे है? प्रकाश, प्रकाश, अरे जिसके बारे में मैं बोल रहा था, मारीगुड़ी का भेजा हुआ प्रकाश यही है, ये तो दिल्ली गया था। राहुल सीढ़ी बंद करो। मुझे माफ कर दो जेडी, मैं तुम्हें बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ जेडी। मारीगुड़ी ने मुझे पैसे दिए और सीएम बनाने का लालच भी दिया। उसकी बातों में आकर प्रकाश को मैंने ही बुलाया और सारे सबूत मैंने ही दिए। तुमसे गद्दारी की है मैंने जेडी। जेडी मुझे माफ कर दो जेडी, मैंने लालच में आके सब ऐसा कर दिया। मुझे माफ कर दो, उस मारीगुड़ी की बातों में आकर मैंने ऐसा कर दिया जेडी, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की है जेडी, मुझे माफ कर दो प्लीज। राहुल मैं बच गया। नमस्कार मुंशी जी। ये सब क्या माज रहा है? कुछ मत पूछिए मुंशी जी, कल रात उदया टीवी में जस का डांस देखकर उसी तरह का रूप बनाने की डान ली है। उसकी सहनक को मैं ठीक नहीं कर सकता, बड़ा विचित्र प्राणी है, बोलू तो मार डालेगा। सबसे पहले केबल कनेक्शन कट करना होगा। इनका इंस्पेक्टर प्रकाश और एमएलए शर्मा का काम जेडी ने तमाम कर दिया। क्या बकरे हो? ए पुरोहित, क्या खुजर बुजर कर रहे हो? अरे बोलो भाई साहब। मतलब की बात करो। प्रकाश दिल्ली नहीं पहुंच पाया और मेडिसिन फैक्ट्रियों की फाइल अब तक हेल्थ मिनिस्टर के पास नहीं पहुंची। मूर्ख, तुम जानते नहीं ये सब साजिश है। एमएलए चंद्र शर्मा की दुर्घटना उस जेडी का ही प्लान है। उस जेडी को सब कुछ मालूम हो गया है। मेडिसिन फैक्ट्रियों की बातें लीक होने का कारण तुम हो, ये उसे पता चल गया है। इसीलिए प्रकाश के साथ एमएलए शर्मा को खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, लालच में न फंसने वाला नीलकंठ शास्त्री भी जेडी के साथ मिल गया है। ए, क्या बकवास कर रहा है? हाँ भैया, 6 साल पहले इंदिरा नगर में रहने वाले रियल एस्टेट के मालिक और उसके साथियों का खून हमने किया है, उसका प्रत्यक्ष साक्षी नीलकंठ शास्त्री है। अब जेडी उसी नीलकंठ से कमिश्नर चक्रधर के सामने हमारे खिलाफ बयान दिलवाने वाला है। अगर कहीं ऐसा हुआ तो बजाओ।
गणेश शास्त्री कहाँ है? कविं कवीताम पवस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणे ब्रह्मण दान स्नोति स्वा महागणपति दन्नवम अग्नेय स्वा अग्नेय दन्नवम यमाय स्वा यमाय दन्नवम नित्य स्वा। यजमान लड़के को जल्दी से स्नान करा के लाइए। वर्णाय स्वा वर्णाय दन्नवम वायुवेय। सबको मार के भगाओ। मारी गुड़ी। 6 साल पहले इंदिरा नगर में 3 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला मारी गुड़ी, तुम पर रहम खाकर ब्राह्मण समझकर जिंदा छोड़ दिया, ये मेरी बेवकूफी थी दीदी। तुम्हारे घर वाले का भी जवाब नहीं। उस जीडी के साथ मिलकर मेरे खिलाफ गवाही दोगे? स्वामी जी, दाल भात खाने वाले को अगर इतनी हिम्मत है तो मुर्गे का गोश्त खाने वाले मुझको क्षमा कर दो मारी गुड़ी, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। साधुनाम विनाशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मारी गुड़ी, पुजारी जल्दी आओ। इधर आओ, जल्दी आओ। क्या है ये? कुकी नहीं, फरसाई क्या है? इसे मारूंगा तो क्या होगा बोल, क्या होगा बोल, बोल ना। इधर आओ। क्यों जुआ, प्राण की भीख मांगने वाला हर आदमी तो माँ माँ कहकर चिल्लाता है, लेकिन जिसे मालूम है कि मैं मारने वाला हूँ, वो लड़का माँ माँ के बदले कुछ और ही कह रहा था। क्या है वो? वो निर्दोष इंसान की रक्षा के लिए। गुरवाणी सर, ज़ादे बस स्टैंड में मारपीट करता है, अपना गुंडा समझता है। बस स्टैंड में मारपीट इन्होंने नहीं किया सर। तो फिर किसने की? फरजोल कौन है? ये लड़की सर। ये? हाँ सर। एक छोकरी। उन 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 फुटबॉल प्लेयर्स को मारने वाली छोकरी, ये छोकरी। गेट अप गेट अप, उठ 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 सालिक, उठ। वाइल्ड कैट, जंगली बिल्ली। तेरा नाम क्या है? किस इलाके से आई हो? तुमने ही मारा, इसने ही मारा क्या? यस सर। हे, इस तरह क्यों घूर रही हो? तुमने ही बस स्टैंड में मारपीट की ना? बाप! भूलान देवी, अपने आमगन। मैं जब से पूछे जा रहा हूँ कुछ नहीं बोल रही। बोल नहीं सकती। नहीं दे रही है। वो बोल नहीं सकती क्योंकि वो गूंगी है। गुंगी? अबे पानी का ऐसा लग। क्या हुआ था बस स्टैंड में? क्या क्या हुआ था मुझे डिटेल में बताइए,
प्लीज प्लीज। हम बस से सफर कर रहे थे, बस में उन बदमाशों ने मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जब मेरे पति ने उन्हें रोका तो उन्होंने मेरे पति को बहुत मारा। उन्होंने मेरी बेटी के साथ बलात्कार करने की कोशिश की। उस बस स्टैंड में हजारों लोग थे, लेकिन एक ने भी आकर हमारी मदद नहीं की। उसी वक्त इस अनजान लड़की ने प्रचय दुर्गा के रूप में आकर हमारी रक्षा की। बस इतना ही हुआ था। इस लड़की ने कोई भी अपराध नहीं किया सर। अच्छा, उन लोगों को अंदर बंद कर दो। फुटबॉल कैसे खेला जाता है मैं उनको सिखाऊंगा। गो। ओके सर। आप लोग एक कंप्लेंट लिखवा कर जाइए। पानी पानी मांगा था लिखा है। कितनी देर में वो लोग कहाँ चले गए? वहां देखो। हाँ? वहां। सुनिए, आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? बहुत दूर से आए हैं हम लोग। वहाँ अकाल पड़ गया, यहाँ काम की तलाश में आए हैं। ठीक है, आप कहाँ जाएंगे? किससे मिलना आपको? सच बात तो ये है, यहाँ पे अपना कहने के लिए हमारा कोई नहीं। ऐसी बात क्यों कर रही हैं? आपकी बेटी ने हमारी इज्जत बचाई है, हमें भी आपकी सहायता करनी चाहिए। हमें आप अपना समझकर हमारे साथ चलिए। नहीं बहन, हम तीन लोग हैं ना। क्यों भाई ऐसी बात कर रहे हैं? हमारी बस्ती में 300 लोग रहते हैं। लोग मंगलामय माँ के बस्ती के नाम से जानते हैं। क्या आप तीन जनों को उसमें जगह नहीं मिलेगी ऐसा सोच रहे हैं क्या आप? वो दीदी हमारे साथ चलिए। गाड़ी रोको। कौन है ये? आज ही रात गए अकेली घूम रही है? अरे वो तुम ही हो ना, पुलिस स्टेशन फुटबॉल। व्हाट्स द टाइम? 12 बजे सर। 12 बजे इस वक्त कहाँ जा रही हो? आई शिट, भूल गया, तुम तो गूंगी हो ना। सर सर सर, आइए आइए आइए, पधारिए। सर इसे रात के समय नींद में चलने की बीमारी है। गूंगी रातों को चलती है, दारून रहता। क्षमा करना, आइंदा मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हम जा सकते हैं? नो। नहीं, मैं ड्रॉप करता हूं। सर हम यहीं रहते हैं। देखो ये शहर है, तुम्हारा गांव नहीं। रात के समय ऐसे घूमते रहोगे तो कोई संदेह के आधार पर अंदर कर देगा। उसको समझा दो,
ऐसा फिर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो खैर नहीं। दो, मुझे दो। ए, वो खंजर मुझे दो। क्या हुआ? कमिश्नर ने पकड़ लिया था, ठीक समय पर मैं पहुंच गया, नहीं तो नहीं तो क्या हो जाता? हम तीनों को जेल में डाल देता वो, और उसके बाद हम तीनों को जमानत देकर बाहर आना पड़ता। ए, क्या है? तू सुनती क्यों नहीं है? इस तरह घूर के किसे देख रही है? ये गुस्सा आवेश सिर्फ क्या तुझ में ही है? अरे ये हम में भी है, हम सब में है ये गुस्सा। इस गुस्से के कारण तू अपने अपने आप को भूल रही है। अब दो बार कमिश्नर की निगाहों में आ चुके हैं, सोच लो, अच्छी तरह सोच लो। अब हमें एक एक कदम संभाल कर रखना होगा, फिर कभी मुझे पूछे बिना इस खंजर को हाथ लगाए तो। सुनो, छतरानी बनने से बेहतर है चाणक्य बनो। कल हमें मिनिस्टर विनोबा से मिलना है। नमस्कार सर, कैसी तबीयत है आपकी? अरे यार, जान के भी पूछ रहे हो? 24 घंटे डॉक्टर को स्टार रखने की नौबत आ गई अब तो। दादाजी मैं यहाँ हूँ। चलो होशियारी से। हाँ ध्यान रखो। अरे मैंने सोचा तुमने कोई छोटा मोटा पार्क बनाया होगा। तुमने तो इतना बड़ा पार्क बना दिया, विदेश जैसा। कितना खर्चा हुआ इस पे? 25 करोड़ रुपया खर्च हुआ सर। अरे 25 करोड़ रुपया? तो मेरा हिस्सा क्यों सिर्फ 25 लाख रुपए? देखो कल मैं विदेश जा रहा हूँ, मेरे वापस आने से पहले घर 1 करोड़ भेज देना, नहीं तो जितने काम कर रहे हो सब बंद करा दूंगा, लाइसेंस भी जब्त करा दूंगा। होशियार। हाँ। अरे अरे गुस्सा क्यों करते हैं, शाम को पहुँचा दूंगा। ठीक है। टीवी वाले आपका इंटरव्यू लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्रिय जनों, हमारे इस उद्योग नगर के लिए एक आकर्षक पार्क की बहुत जरूरत थी, जो आज पूरी हो गई। मेरे दोस्त ने बड़ी ईमानदारी से इसका निर्माण किया है, हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। क्या हुआ? कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सीने में दर्द है। एक मिनट ठहरिए, मंत्री जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो हमारे गांव के ही हैं, थोड़ी उनसे बात करनी थी, अभी मुमकिन नहीं है। हम बहुत दूर से आए हैं। अच्छा अच्छा यार रुकिए। सर आपके गांव से तो मैच है,
इसलिए मैंने छिट्टी ले ली। जल्दी बको यार, तुम सबको क्या तकलीफ है? ले ले जाने के बहाने यहाँ फंसा दिया सबको। सरकार, इस भूत बंगले में सिर्फ आप एक ही मनुष्य है। हमको गांव से मेले के बहाने यहाँ ले आए और यहाँ देखो तो खाना भी नहीं, पैसा भी नहीं, बस इन लोगों का भेष बदलते रहना पड़ता है। इनको पेशाब के लिए भी फुर्सत नहीं है। हम अगर एक बात कहते हैं, चाकू चाकू बताते हैं सरकार, आप उनको बोल दीजिए हम अपने घर चले जाएंगे। अरे मूर्खों, अगर मैंने तुम्हारी तकलीफ उन्हें जाकर बताई, तुम लोग नहीं जानते आगे क्या होगा। इतना बड़ा फरसा लेकर मेरी टांग काट डालेंगे। हाँ अबे ओ ब्रोहित, अभी आया। पार्टी के दफ्तर में गया था, क्या हुआ? भाई जेडी जीत गया, राहुल के कारण एमएलए सीट भी पूरी हो गई। सिर्फ एमएलए ही नहीं, सीएम भी उसका सपोर्ट कर रहा है। नोटों के बल पर उसने सारे लोगों को अपनी तरफ कर लिया है। नागा के लिए की गई सारी कोशिश पर पानी फिर गया भैया। आखिर में मेरा मुंह चिढ़ाकर हंसते हुए चला गया वहां से जेडी। छोड़ो भैया, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अरे मेरा नसीब ही मुझे धोखा दे गया। ए, तुम क्यों फिक्र करते हो? मैं हूं ना, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। उसने मारी गोड़ी को समझने में भूल की है। तुम्हें स्वतंत्र खड़ा करके जीता कर ही रहूंगा। उस जेडी का बेटा, उस जेडी का बेटा राहुल इलेक्शन में अपने जमानत जब्त करवाएगा, यह खबर सारे अखबार के पहले पन्ने पर छपेगी, सारी सरकार डावाडोल हो जाएगी। उस जेडी के बेटे के नॉमिनेशन के पहले मैं तेरा नॉमिनेशन करवाऊंगा। मारी गुड़ी, मारी गुड़ी मेरा नाम है। आज वो नॉमिनेशन फाइल करेगा। रेडी। थैंक यू मिस्टर राहुल, इस पर साइन कीजिए। ऑल द बेस्ट माय सन। थैंक यू डैड। अगले मुख्यमंत्री क्यों चुप हो गए? पब्लिक ऐसे ही देखेगी, तुम नारा लगाओ। मारी गुड़ी की जय, 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 मारी गुड़ी की जय। कैसा इंतजाम किया मैंने? बहुत खूब, काबिल तारीफ भैया। डरो मत, तुम जरूर एमएलए बनोगे। गुरुवे शरणम। नॉमिनेशन भरने नहीं गुरु, यहाँ के अफसरों की हजामत करने आया हूँ। बड़े बाल मुझे पसंद नहीं है ना। अच्छा अच्छा, नॉमिनेशन भर दिया क्या? रुपयों के बल पे ज्यादा नाचो मत गुरु, भस्म हो जाओगे। सही कहा आपने। अबे अवकाश में राहुल, पहाड़ों के साथ लड़ सकते हो। धमकी दे रहे हो? रास्ते में बताना, उड़ जाओगे। ये किसी और से कहना, जल्द से जल्द तुम्हारी चिता सजा दूंगा। मैं बोलता नहीं, करके दिखाता हूँ। नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। दीजिए, इसमें क्या लिखा है भाई, जरा पढ़ के देखना। इसमें साइन करना हो? ठीक हो ना? लाओ इधर। अनपढ़ हूं ना, अंगूठा ही लगा सकता हूँ।
बहुत जल्द कमिश्नर बन जाओगे। एक्सक्यूज मी, इलेक्शन में कौन जीतेगा? जिसे ज्यादा वोट मिलेंगे वही जीतेगा। युवा नेता नागा, युवा नेता नागा। भैया मैं जरा पार्टी में जाता हूँ। सिर्फ मर्द ही होंगे क्या? नहीं, क्या भी है। जाओ जाओ ऐश करो। भैया भैया देखा तुमने, आज मैं बाल बाल बच गया। उस जेडी ने जैसा ही कहा वैसा ही करके दिखा दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ भैया, लेकिन मेरे मेरे चार दोस्तों की मौत हो गई भैया। भैया इसका कारण वो जेडी और उसका बेटा राहुल ही है भैया। हम उसे खत्म कर देंगे भैया, वो हमारे लिए मुसीबत है। हाँ। इसका मतलब अपने भाई को ही मारा। ये क्या बोल रहे हो तुम भैया? वो बम मैंने ही रखवाया था भैया। तुम चार दोस्तों की मौत से दुखी हो रहे हो, मगर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, क्योंकि उनकी मौत से तुम्हें 40,000 वोटों की सहानुभूति मिलने वाली है। वो जेडी पैसों की जोर से कुछ नहीं कर पाएगा, उसका यही उदाहरण है। ताकत से, अक्कल से तुम्हें जितवाऊंगा। क्यों डॉक्टर? मैं क्या कॉमेडी कर रहा हूँ? कहाँ है ब्लड? अभी लाया। ब्लड किस लिए? तुम सो जाओ। क्यों भैया? सो जाओ। क्यों डर रहे हो? मैं जो भी करता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए करता हूँ ना। सुनो, तुम्हारी पेशानी पर तिलक नहीं खून होना चाहिए। नागा, कुछ पत्रकार आ रहे हैं, उनके सामने मैं नाटक करूंगा, देखना मेरी एक्टिंग। अवार्ड पक्का मिलेगा। क्यों मजाक कर रहा है? अवार्ड मिले या ना मिले, मगर लोगों की सहानुभूति जरूर मिलेगी। नागा, तुम जिंदगी और मौत के बीच लटक रहे हो, ऐसी एक्टिंग करनी होगी। नाम उसका होगा, काम हमारा होगा। भैया, उनके सामने सिर्फ मैं नहीं, तुम सबको भी नाटक करना है, समझ गए? ओए सर, इस फ्लोर पर कोई नहीं रहेगा। ओके सर। हमारे आदमी भी, किसी को शक नहीं होना चाहिए। चलो। मारीगुड़ी की आदमी ने, कमिश्नर की सिक्योरिटी भी जबरदस्त है, अंदर जाना बहुत मुश्किल है। I told you to check all the vehicles leaving the city. What the hell you are doing? Hey, तुम इधर आओ, आओ ना। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो? सर ये कभी भी तुम्हारा लफड़ा रहता ही रहता है। जा जा जाओ। Hello listen, I don't think there is adequate security in the hospital. I want you to check to the agent immediately. Okay. पत्रकार आ रहे ना? हाँ भैया। टीवी वाले भी आ रहे ना? हाँ। एम्प्लॉयज मिस नहीं होना चाहिए। I don't want any unwanted people in the hospital. Clear them all. भाग जाओ, मेरे पास बताओ, जाओ यहां से, जाओ यहां से। सारा इंतजाम हो गया ना? सर सर, क्या कमिश्नर आईसीयू में जा रहे हैं।
उफ, वो वहां क्यों जा रहा है? मेरी जान लेने के लिए। तुम सब लोग यहीं पर आओ। अबे वो कुत्ते की तरह हैं 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 क्यों कर रहे हो? आई सी यू, गेट आउट। चड्डी पहन के आया होता तो चढ़ने में आसानी हो गई होती। यहाँ किस लिए आए हैं सर? मेरा भाई जिंदा है या मर गया ये देखने के लिए ना? लुक मिस्टर मारीगुड़ी, ड्यूटी पर तैनात ऑफिसर से सवाल पूछने का हक तुम्हें नहीं। मैं कौन बताए? मुझे आप भी मालूम है, आपके बाप भी मालूम है। हाय, चिल्लाई मत। हेलो। हाँ जी साहब, मैं मारीगुड़ी, यहाँ कमिश्नर साहब दखलंदाजी कर रहे हैं। फोन दो। देता हूँ। आई जी साहब, गुड मॉर्निंग सर। तुम वहाँ क्यों गए? मैं यहाँ सिक्योरिटी के लिए आया हूँ। उन्हें तुम्हारी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, वहाँ से जाओ। सर सिचुएशन इज वेरी टेंस। जो कहा वो करो। यस सर। आई विल कैच इट। थैंक यू। इन लोगों को पकड़ के बिन लादेन के पास भेजना चाहिए सर। भाई प्रेस वाले आ गए हैं। टीवी वाले? हाँ टीवी वाले भी आ गए। आइए आइए, देखिए देखिए मेरे भाई की दुर्दशा देखिए। इलेक्शन में जीत ना जाए इसलिए मेरे भाई पर अपोजिशन पार्टी वालों ने इस तरह की चाल चली है। कलम की धार से तलवार की धार से कलम ताकत हो रही है, आप सब जानते हैं। ऐसी ताकत रखने वाले आप सब लोग इस मामले को अखबार में छाप कर अपोजिशन वालों की धज्जियां उड़ानी चाहिए। डॉक्टर मेरे भाई से बोले कि वो भी अपना मुंह खोले। नागा नागा, भगवान ने भी इन दोनों भाइयों की क्या जोड़ी बनाई। नागा नागा नागा, आंखें खोलो नागा। सुपर एक्टिंग कर रहा। अरे टीवी वाले भाई, तुम आके कैमरे में इसकी शूटिंग करो यार। ए, क्या हुआ? उठाना सर, आपका भाई मर गया सर। भाई भाई भैया, प्रेस वाले टीवी वाले जाओ, सब लोग जाओ जाओ। ये कैसे हुआ? मुझे कैसे पता सर, मैं तो आपके साथ ही था। भाई ये सचमुच जेरी का ही काम है, उसने इस मौके का फायदा उठाया है। भैया नमस्ते, आइए। हमें छोड़कर चले गए, अकेला छोड़कर चले गए। मारी गुड़ी कहाँ है? भैया नायक जी आए हैं। थू, यही बुद्धि है तुम्हारी? 40 सालों से राजनीति में हूं मैं, कितनों को मैंने ऊपर उठाया और कई बड़ों बड़ों को धूल चटाया। मैंने राजनीति में चाणक का टाइटल लिया है। मुझसे सलाह किए बिना ही अपने आप को बुद्धिमान समझकर अपने ही हाथों से अपने भाई को मरवा डाला तूने। उसकी मौत सह नहीं पा रहा हूं, राजनीति में उसका अच्छा भविष्य था। ए, इधर आ, सुन, गुरु का मान देकर मैं जो कह रहा हूं उसे सुन। आज उस जेडी को खत्म करने का अच्छा मौका है, इसे हाथ से न जाने दे। तुम दोनों को तबाह करने के लिए एक पैर पर खड़ा है वो कमिश्नर, उसका नाम क्या है? चक्रधर। हाँ चक्रधर, नागा को मारने वाला जेडी है, ऐसा कंप्लेन कर। बुड्ढे कहीं गए, मुझे क्या नामर समझ रखा है? तेरी तरह नामर नहीं हूं मैं। मारी गुड़ी बेटे,
काट के रख दूंगा, काट कर वही सब कुछ दफना भी दूंगा। जो मरा वो कौन है जानता है? मेरा प्राण, उसके लिए सारी संपत्ति जायदाद जमा करके रखा था। जिसने भी उसकी जान ली है उसे वही काट कर टुकड़े टुकड़े करके पुलिस स्टेशन जाकर नामर की तरह कंप्लेंट नहीं करूंगा मैं। कान खोल कर सुन ले, उस जेडी के सारे खानदान को कुत्तों की मौत मार कर समाधि बना दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। गाड़ी निकाल। मैं नहीं। अरे नागा का कत्ल मैंने नहीं किया, अगर कत्ल करना ही था तो मारी गुड़ी का पीछे से छुरी मारना मेरी आदत नहीं। मिस्टर देवराज सर, वो क्या नो, आप बाहर जाइए प्लीज प्लीज। शिट, किसने किया? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? हमारे यहां होने के बारे में सिर्फ तुम्हें चिट्ठी लिखा था, फिर यहां क्यों आए हो? फिलहाल अब तक किसी को शक नहीं हुआ है, होता तो सारा काम चौपट हो जाता। एक तो इसे संभालना मुश्किल है, उसके ऊपर तुम भी आए हो। ऐसी बात नहीं है, आपका खत मिलते ही मिलने की इच्छा हो गई। नागा की मौत की खबर सुनते ही मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं यहां पर आप सबको मिलने चला आया। ठीक है, देख लिया ना, मिल लिया ना, अब दोबारा जब तक मैं ना बुलाऊं यहां मत आना, समझे? समझ गया। नहीं, रख लीजिए, वहां पर जो कुछ भी हो रहा है ना फिक्र मत करना, मैं हूं। हाँ मैं हूं। देखो नो, रोना नहीं, बिल्कुल नहीं, मत छोड़ना किसी को भी, मत छोड़ना किसी को भी। मैं चलता हूं, इनकी बात सुनना। मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। राहुल, यस डैड, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है। कम ऑन डैड, तुमसे कहा ना कि बाहर मत जाओ, उस मारीगुड़ी का आदमी हमारी ताक में लगे हुए, सिक्योरिटी के बिना बाहर क्यों निकले? कम ऑन डैड, हमें सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, पूरे राज्य को तो सिक्योरिटी हम ही दे रहे हैं, है ना? है ना? डोंट वरी डैड, मैं अभी आ रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। हाय राहुल। हाय अनिता, आ रहा हूँ। कहाँ चला गया? यहीं कहीं पर होगा वो ससुरा। हेलो कमिश्नर ऑफिस,
राहुल कहाँ है? अंदर गया सर। मारीगुड़ी के गुंडे? वो लोग बाहर हैं सर। यहाँ केयरफुली डील करना होगा, ये सिनेमा थिएटर है, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। फॉलो माय इंस्ट्रक्शन। हे कमिश्नर आ गया, हमें यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। कमान 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 मेक इट फास्ट। कांस्टेबल क्लोज द डोर इमीडिएटली। 302 तुम ऊपर जाओ। यस सर। नमस्ते सर। आर यू द मैनेजर? थिएटर कहाँ है? ऊपर है सर। फिल्म खत्म होने में कितनी देर बाकी? आधे घंटे बाकी है सर। लोगों को बाहर जाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है सर। उसे अंदर जाते हुए कांस्टेबल ने देखा है, राहुल यही अंदर ही है। सर ऊपर राहुल की लाश पड़ी है। खूनी यही अंदर ही है, सारे रास्ते बंद कर दो, पब्लिक को एक ही रास्ते से बाहर जाना होगा। रास्ते बंद कर देंगे तो पब्लिक को तकलीफ होगी सर। सर यू आर टॉकिंग टू द पुलिस कमिश्नर, डू व्हाट आई से, फॉलो मी। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, यहाँ बाथरूम में खून हो गया है, खूनी आप ही के बीच में है, आप एक एक करके आइए, हम लोग अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। प्लीज प्लीज कोऑपरेट, अगर कोऑपरेट करेंगे तो किसी को परेशानी नहीं होगी। कमॉन कमॉन। हम दोनों अगर एक साथ जाते हैं तो शक हो सकता है, तुम आगे जाओ। जाओ कह रहा हूं। Thank you.
पूरा शहर जल रहा है और तुम लोग यहां सो रहे हो। उठो उठो उठो, बाहर निकलो, सब लोग बाहर निकलो, आओ आओ जल्दी आओ, अब हिलना मत। सर क्या है ये सब, इन लोगों ने ऐसा क्या गुनाह किया जो ऐसे पेश आ रहे? तुम ही हो ना उस दिन उसे स्टेशन लेकर आई थी? कहाँ है वो? किसके बारे में आप पूछ रहे हैं? गूंगी लड़की, वही गूंगी। इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? इज्जत से बात कीजिए। अरे आप ठीक? सर सर कमरा नंबर 28 है सर। कहाँ? चक्रधर यू आर राइट, उसी ने किया है। कीप इट अप कमिश्नर। मरना चाहती हो? तुम लोगों को जीने की इच्छा नहीं है? तुम लोग सुसाइड स्क्वाड हो? तू यहां उसके लिए मरने के लिए तैयार है और वो वहां वो दाढ़ी वाला, उसने गूंगी को बचाने के लिए आत्महत्या कर ली, मर गया। ए, क्या देख रही है? मैं सब जानता हूं, मारीगुड़ी के भाई नागा को मारने वाली वही है और आज जेडी के बेटे राहुल को मारने वाली भी वही है। जेडी का बेटा राहुल मर गया? वो मर गया? राहुल मर गया? कल तक हम तीन लोग थे, आज दो बच्चे हैं, कल सिर्फ एक होगी, लेकिन हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके रहेंगे, देख लेना। हाँ वो गूंगी कहाँ है? कहाँ है? क्यों आई है? मैं उसे रोकती हूं, तू भाग जा, भाग जा, भाग जा यहां से। मेरा नाम दुर्गा परमेश्वरी है,
और लोग मुझे दुर्गा कहते हैं। दुर्गी का क्या जवाब? ये रे दुर्गे, आजा आजा आजा। दरवाजा बंद करो, बत्ती जलाओ। मेरे ख्याल से समारोह आज दोपहर को हुआ और आप लौट रही हो तुम। ऐसा नहीं है बाबा। हे, जवान चलाई तो मार डालूंगा। बिना मां की अनाथ बच्ची हो, इसीलिए प्यार से पला है तुम्हें, और ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बेटी नहीं रहा। क्यों बेटी, तुम भी आजकल इस नलायक के साथ कुछ ज्यादा ही घूमने लगी हो। बेटी ऐसा नहीं करते, तुम अपनी जिंदगी पर बात कर लोगी। बेटी तुम मेरी सचमुच की बेटी हो ना, लाडली बेटी हो ना, मुझे तुम पे बहुत गर्व है बेटी। ठीक है, जाओ खाना खाकर सो जाओ। ठीक है। ओए, मैंने तुमसे जाने को नहीं कहा, अपनी बेटी से कहा। तुम जाओ बेटी। रामलीला अभी खत्म नहीं हुई, मैं तो बच गई। तुम क्या हो, आखिर क्या है तुम, तेरी उम्र क्या है? वो मजाक मत समझ। इस उम्र में जितना हो सके उतना काम करके, खा पी कर एक जगह पर बैठकर राम नाम का जाप करना चाहिए तुझे। तुम ये सब छोड़कर मान मर्यादा वगैरह ताक पर रखकर इसके साथ नास्ती जाती फिरती रहती हो। तेरे को बुद्धि नहीं है क्या? अच्छी, इसके बिगड़ने का तू ही कारण है तू। हाँ बाबा, मेरे बिगड़ने का कारण दादी है। जबान खोली तो जान से मार दूंगा। तुम्हें देखते ही मेरे रोम रोम में जलन होती है। तू और तेरा ये भेस, कोई भी लड़की गांव में इस तरह नहीं घूमती। इतना जबान क्यों लाती है? मेरी पूरी पगार तेरी ड्रेस में खर्च हो जाती है। छे! अरे सोमू, मैं भी कब से देख रही हूँ तू बोलता ही जा रहा है।
अगर सही वक्त पे तूने इसकी शादी कर दी होती तो भला क्या ये इस तरह बिगड़ी होती? क्या शादी इसकी? अच्छा माँ, तुम्हें याद है क्या, पिछले महीने मैं रामपुर के तहसीलदार के घर गया था, उसका एक लड़का है, इंग्लिश पढ़ा लिखा है। सुनो, तुम सबको बताए बिना मैंने उनके बेटे के साथ दुर्गा की शादी की बात की। कहा दुर्गा को बहू बनाओ तो उन्होंने क्या कहा तुम्हें मालूम है? तुम्हारी बेटी को बहू बनाने से बेहतर कुएं कूद के मर जाना। जानती हो हमारे खानदान का ऐसा नाम रोशन कर रखा है इसने, सिर्फ इस गांव में नहीं आसपास के सभी गांव में हमारे खानदान का नाम रोशन कर रखा है। बाबा, पहले औरतें मर्द की दासी बनकर रहती थी, पर अब तो मर्द औरतों की गुलामी करते हैं, ऐसा जमाना आ गया है, इस पे तो आपको खुश होना चाहिए। बाबा, मुझे भूख लगी है। क्या है मेरी माँ, एक आदमी गला फाड़ फाड़ के इतनी देर से चिल्ला रहा और तू उसकी बात को अनसुनी किए जा रही है। तुझे भगवान ही समझा। ए, कहाँ जा रही है? ओहो, ऐसा कौन सा काम करके आई है तू कि मैं अपनी मूंछों पे ताव दूं? भूखी रहेगी तो अकेला जाएगी। जा यहाँ से। लेकिन कहाँ ना जा। बुरी तरह फंस गई। अरे अरे, कैसे डकार ले रही है देख तो। अपना तो किस्मत ही खराब है, चलो ऐसे ही सो जाते हैं। टैं टैं ओए कौन आ गया रे, अरे देख ये देखो, एक तो मैं बाबा से छुपाकर खाना लाई, फिर भी ये लोग खाए जा रहे हैं। इतना भी नहीं कि मुझ बेचारी को धन्यवाद ही दे दे। हाँ, वरना खाकर खाने के बाद मैं बोलना चाहती थी, है ना दादी? खेड़ी बुरा मत मानना। अरे खास मत, तेरा बाप आ जाएगा, उसके कान तेज हैं। लो पानी पी लो। क्यों बेटी, इस घर में तुम सब एक पार्टी और मैं विपक्ष पार्टी हूँ। बाबा, बच्ची है, दर्द होगा। देखो बेटी, तुम हमेशा अपने पेट के बारे में ही सोचती हो, कभी तुमने मेरे पेट के बारे में भी सोचा है? सोमू, तूने भी खाना नहीं खाया बेटे। क्या माँ, तुम भी इस घर में तुम्हारे और बच्चों के खाए बगैर कभी मैंने खाया है क्या? तू खा ले, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। बाबा, मैंने भी खाना नहीं खाया। तुमने भी नहीं खाया और मैंने भी नहीं खाया। चलो मिलकर खाते हैं। हाँ, तुम भी खाओ, मुझे भी। चलो माँ, बचपन में तुम खिलाती थी, आज मैं खिलाता हूँ। बाबा बाबा, आप भूख लिए, भूख लिए, भूख लिए। लो दीदी, तुम भी खाओ ना। भगवान, अरे हमारा संसार ऐसे सुख शांति से चलता रहे बस। ये हमारा फैक्ट्री प्लान है, जेडी साहब ने ये लेआउट बनाया है। ए रामदास, तुम लोग अकल नहीं है क्या? कितनी देर से मैं इधर वेट कर रहा हूँ, वो लगा रहे हैं कि नहीं? ये फोन भी। हेलो हेलो, कहाँ हो? पीछे मुड़ के देख। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए आइए, आपके लिए ही इतना देर इंतजार कर रहा था। मैं डर गया कहीं आप नहीं आएंगे तो। तो इसी जगह पे हमारी फैक्ट्री बनेगी? हाँ जी, क्योंकि यहाँ जो बाजू में नदी बहती है, ये 12 महीने बहती रहती है, ये जगह में पानी की परेशानी ही नहीं है, इसीलिए मैंने इस जगह को सेलेक्ट किया है। इस जमीन की मालिक से बात की तुमने? सब हमारे ही आदमी है, मेरी लकीर को फाड़ेंगे नहीं। और अगर आप समझदार हो तो आप और इंतजार किए बिना कल ही इस काम को शुरू कर दो। ये सब बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, जब तुम एमएलए बन के आदर्श हुए ना तभी पता चल गया। सुनो, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, खासकर किसी को ये नहीं पता होना चाहिए कि ये फैक्ट्री मेरी है। तुम किसी बात की चिंता मत करो, यहाँ कोई भी परेशानी अगर आती है उसे मैं संभाल लूंगा। अरे यार, एक जरूरी बात तो कहना ही भूल गया मैं। वो क्या? आप इतनी दूर आके हमारी महफिल में नहीं बैठोगे? बाय द वे, आज रात एक ग्रैंड पार्टी का मैंने इंतजाम किया है, इसलिए आपको जरूर शरीक होना। नहीं, मुझे इन सब में। हाँ गुरु, ये हाथ काटना, पांव काटना, आप मर्डर, फुल मर्डर, ये तो होता ही रहता है, आज तो ऐश करे ना।
डैड आप इनके साथ पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं और नागा गांव घूमते हैं, हम दोनों सफर से थक गए हैं। हाँ? अरे रामदास मालिक, हमारे गांव में ये किधर घूमना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं सब दिखा के लाओ, जो मांगते हैं उनको दे दो। ठीक है मालिक, किसी भी चीज को मना मत करना। नहीं मालिक, जाओ जाओ। ओहो सुनिए तो, अरे ध्यान देना शहर नहीं। दुर्गी आज मेरा जन्मदिन है, शानदार पार्टी दूंगा मैं शाम को। जरूर लगे संभाल के चलाइए। तो दुर्गी आज तुम्हें मुर्गी बनानी होगी। हाँ जरूर बना। देखिए आपका शहर नहीं गाँव है, संभाल के चलिए आगे फैक्ट्री जा रही है। दुर्गा बड़ी मुश्किल से पिताजी ने मुझे जन्मदिन पर ये ड्रेस दिया था, ड्रेस और साइकिल का नाश कर दिया इसने, उसे छोड़ना मत, छोड़ना मत। राहुल क्या बोला है? ए, क्या रे मस्ती चढ़ गई? कार चलाने का मतलब आने जाने वाले दिखते नहीं क्या? हम साइड से आ रहे थे, इसे डरा रहा था, एक खींच के दूंगी ना। अरे बाप रे दुर्गा, ये सब मेरे गांव में नहीं चलेगा, समझ गए ना? दुर्गा, दुर्गा, क्या? ये लोग नए नए शहर से आए हैं यहाँ। ओ रामदास तू भी इनके साथ है, तुझे तो मेरे बारे में मालूम है। ये दुर्गा किसी के लफड़े में नहीं पड़ती, अगर पड़ गई तो नहीं छोड़ती। ए, ये गांव है तेरा शहर नहीं। दुर्गा ऐसा भी क्या हो गया? क्या हुआ बोलूं? तो सुनो रामदास, उसके कपड़े फट गए और साथ ही साइकिल भी टूट गई, कौन देगा? तेरा बाप? ए, कितने पैसे हैं? ये कपड़े और साइकिल के लिए। ए, मैंने आंख उठाई तो एक ही निशाना और हाथ उठाई तो एक ही झपड़, फटाफट। वाह देख रे नागा, गांव की इस गोरी को तो देख। अम्मा यार शहर में एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं, लेकिन गांव में पहली बार ऐसी लड़की देखा। हाँ अगर ये मिल गई तो मजा आ जाएगा यार। अरे चुप रहिए साहब, उसका नाम दुर्गा है, दुर्गापुर की दुर्गा है, उसका कोई मुकाबला नहीं। ए रामदास अगर जिंदगी में ये मिल गई तो मजा ही मजा है यार। साहब वो थोड़ा मुश्किल काम है। आइए आइए ना बैठिए, अच्छी जगह है, बैठिए। तो रामदास कौन है ये लोग? अरे सुमन ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बेंगलोर से आए हैं, अपनी एक शुगर की फैक्ट्री खोलने जा रहे हैं, उसके लिए जगह देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सुनो दो चार दिन के लिए ये लोग इसी बंगले में रहेंगे। हाँ? और तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी। ओहो बड़ी अच्छी बात है, हमारे गाँव में शुगर फैक्ट्री खुलेगी तो हमारे गाँव के लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने बड़ा अच्छा काम सोचा रामदास। हाँ? भूख लगे यार। अरे पहले आप लोग स्नान कर लीजिए, मैं खाने के इंतजाम करता हूँ। हेलो मुझे चिकन ही चाहिए। साहब आपके चिकन का नाम लेने से मुझे याद आ गया, हमारे सुमन की बेटी है ना, ओहो ऐसी चिकन बिरयानी बनाती है, मजेदार लजीज बहुत ही बढ़िया। वो जब चिकन बिरयानी बनाती है तो उसकी खुशबू आजू बाजू के 18 गांव में फैल जाती है, खाने वाले तो बस खाते ही रह जाते हैं, फिर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। ए सुमन कल अपनी बेटी से चिकन बिरयानी बनवा कर लेकर आना। रामदास हमारे घर का पका ही खाएंगे क्या? क्यों नहीं, इन्हीं से जरूर खाएंगे। क्यों ना गा? खाएंगे। जाओ जल्दी जाकर खाना तैयार करो, हम सब मिलकर खाना खाएंगे। दारू बिना खाना हजम नहीं होता, आज तो किसी तरह संभाल लूंगा, कल मुझे किसी न किसी तरह दारू चाहिए। हाँ जरूर, पहले आप लोग स्नान कर लीजिए, मैं जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। जल्दी चलो रामदास। चलो यार चली फिर चली चल। क्या बाबा? क्यों बेटी आज रविवार है, सुबह सुबह बंठन कर तुम कहाँ जा रही हो? मेरे गुरु की फिल्म अपने गांव में लगी है ना, उसे देखने जा रही हूँ, मॉर्निंग शो। ओ। ये क्या बाबा,
तरकारी मुर्गी सब एक साथ। ओ मेरे गुरु की फिल्म अपने गांव में लगी है ना, इसलिए सब जश्न मना रहे हैं ना। बुद्धू कहीं की, यहाँ तुम्हारे गुरु की फिल्म लगी है इसलिए क्या मैं पार्टी मनाऊंगा? यहाँ बंगले में मेहमान आए हैं, गांव में सुगर फैक्ट्री चालू करने वाले हैं वो। उस रामदास ने उन्हें बता दिया है कि तुम चिकन बिरयानी बड़ा ही अच्छा बनाती हो, इसलिए ले आया हूँ। लो जाके बनाओ। ए सुना नहीं क्या? आके क्या फाड़ी, जाके बना ले। इसे जल्दी से तैयार करके जब मेरे लिए खाना लेकर आती हो तभी चिकन बिरयानी भी लेती आना, उसके बाद जहाँ जाना हो चली जाना। क्यों दुर्गा, ठीक तो हो ना? अरे क्या मुंह लटका के खड़ी हो इस तरह? जानती हो तुम्हारे हाथ की बिरयानी के बारे में मैंने कितनी तारीफ की है? तुम्हारे हाथ की बिरयानी खाने के लिए वो बड़े बेताब है। सुनो, तुम्हारी तारीफ के साथ साथ मेरी भी तारीफ होनी चाहिए, समझ गई? क्यों रामदास, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? अरे मैं तो भूल ही गया था, आज सुबह एमएलए साहब ने फोन किया था, तुरंत ही वो तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो जल्दी करो, जल्दी चलो। ठीक है ठीक है, मुझे देर हो सकती है, बंगले में खाना पहुंचाना मत भूलना, जाओ जल्दी बनाओ। आओ भाई हम चले। हाँ, चलो। चल। कौन है? मेरा नाम मीरा है, पांचवी क्लास बी सेक्शन। मैं दुर्गा की छोटी बहन हूँ। मेरी बहन ने ये डब्बा यहाँ देने को कहा। वो क्यों नहीं है? अरे ठीक है दियो तुम तो। अरे वो देखो, दुर्गा! मेरा, 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 मेरा आंखें खोलो, मेरा, मेरा, डॉक्टर, 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 डॉक्टर! क्या हुआ, क्या हुआ नीरा को? क्या हुआ पता नहीं, तालाब के पास बेहोश पड़ी थी, जल्दी जरा देखिए ना। हाँ हाँ, धीरे धीरे को नीरा को अंदर ले आओ, जल्दी ले आओ, चलो चलो जल्दी करो। तुम लोग क्या है? क्या हुआ डॉक्टर? मास्टर, मास्टर, डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या कहा? मास्टर, मास्टर, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी मीरा को क्या हुआ? हाँ बताइए डॉक्टर। मीरा,
मीरा को क्या हुआ? मीरा को क्या हुआ? मेरी मेरी मीरा को क्या हुआ डॉक्टर? मीरा डॉक्टर मेरी मीरा को क्या हुआ? बोलिए डॉक्टर मेरी मीरा को क्या हुआ? बोलिए डॉक्टर मीरा मीरा को क्या हुआ? मीरा का मीरा 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 भला कर हुआ हुआ तुझे है? पागल की तरह चिल्लाने से उस लड़की पर हुआ अन्याय का निराकरण हो जाएगा क्या? पहले हमें उस कमीनों को खोजना है। हाँ चलो उस रामदास के पास चलो। हेलो डॉक्टर। कौन है आप? क्या चाहते हैं मुझसे? यहाँ एक लड़की के साथ कुछ बात हो गई इसलिए आए हैं। क्या पूछते हैं साहब? कुछ बदमाश कमीनों ने एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करके उसे आदमारी करके सन्नाटे में छोड़कर भाग गए। उसके हालत में बयान नहीं कर सकता। अच्छा आप उस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वही डॉक्टर आपने बताया ना किसी कमीने ने छोटी लड़की को बर्बाद कर दिया करके। वो कोई और नहीं, एक तो मेरा छोटा भाई, दूसरा है इनका बेटा। कितनी हिम्मत है तुम में जो मुझे आके बता रहे हो? तुम जैसे को तो सजा मिलनी चाहिए। 5 लाख? क्या 5 लाख मुझे रुपयों से खरीदना चाहते हो तुम लोग? इतनी हिम्मत? यू नो हु आई एम? मैं एक सर्टिफाइड सरकारी डॉक्टर हूँ। तुम जैसे बदमाशों की कोई भी सजा वो कम होगी। 10 लाख? तुम मुझे क्या समझ रखा है? मेरी अगर जबान खुल गई तो 15 लाख? मेरी चुप रहने के बावजूद भी नीलामों की तरफ बोली लगा रहे हो? खोज लेगी तुम दोनों अगर कहीं भी चुप जाओ वो खोज लेगी। दुर्गा तुम दोनों इसे नहीं जानते, तुम दोनों की जीते जी समाधि बना देगी। 20 लाख? छी मैं बोलता ही जा रहा हूँ तुम दोनों। पच्चीस लाख रुपये ले लो, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट मैं खुद लिखूंगा।
इस लड़की का बाप है, इसकी हालत देखकर सदमे में पड़ा है। सर, इस बारे में किसी को मालूम हो गया तो? मैं हूं ना। किसी ने, किसी रामदास ने हमारे ट्रैवलर बंगलों में दो आदमियों को लाया था। हमें पता लगा है वो दोनों कौन थे, पता लगा है बिना नहीं रहेंगे। कुछ भी हो जाए हम इससे पूछ के रहेंगे। रामदास क्या हुआ बोलो। मैं कुछ भी नहीं जानता जी, इसके सामने इसके बाप के साथ मैं यही पर आया था ना, बस इतना ही। सर आपका फोन। हेलो, हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। क्या दुर्गा, नीरी हम सबको छोड़ के चली गई बेटी। अपनी नीरा हमें छोड़ के चली गई। बाबा बाबा मुझे नीरा चाहिए। बाबा बाबा मुझे नीरा चाहिए। बाबा 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 मुझे नीरा चाहिए। बाबा बंदोबस्त सब ठीक है जी? सब चली गई, मेरा बेटा और मेरी नीरा हमें छोड़ के चले गए। विनोबा जी, उन लोगों को छोड़ना नहीं, आप वचन दीजिए। वचन दीजिए, हमें उन कातिलों को नहीं छोड़ेंगे। मैं देख लेता हूँ। जेदे ने तुमको सब समझा दिया ना? हाँ। बैठो। सर्टिफिकेट दो। ठीक है क्या? देखो। अरे शंकर, तुमने कहा क्या, यहाँ लिखा क्या है? हा?
ए, क्या लिखा है तुमने? जो घटना हुई वही लिखा है इसमें। जो घटना हुई वही लिखा है? तुमने कहा था नीरा के साथ बलात्कार हुआ है। है शंकर, मैंने ऐसा कब कहा था? तुमने मेरे कहने का गलत समझा। देखिए सर, पहाड़ी पर खेलते समय उसके पाँव फिसल गई और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई, यही लिखा है मैंने। हाँ सर, और यही मैंने सर्टिफिकेट किया है सर। झूठ बोलता है, दगाबाजी कर रहा है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, अपने होश मत खो। ये झूठ बोलता है विलोबाजी, ये झूठ बोल रहा है। दुर्गा, अरे दुर्गा, दुर्गा, ये झूठ बोल रहा है। कभी ना मैं तुझे मार डालूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। हमने क्या कहा था? आपने अंदर लेके दिखाया है? दुर्गा, ये तुमने क्या कर दिया बेटी? मैं कहता रहा समाधान करूंगा, समाधान करूंगा, तुमने मेरी बात सुनी नहीं। उसका कत्ल करके तू अब खूनी हो गई है बेटी। ए, तुम्हारे आवेश ने कैसा अनर्थ किया, देखो देखो। ए, शंकर, एक तरफ नीरा की मौत और दूसरी तरफ दुर्गा जेल जा रही है। अब तुम्हें समाधान हो गया है ना? अब तुम्हें संतुष्टि मिल गई है ना? देखो देखो। इंस्पेक्टर साहब, ले जाओ दुर्गा को, ले जाओ। जी सर। क्यों सोच रहे हो? यही ना कि मैं तुम्हें पुलिस सचिव के बदले यहाँ क्यों ले आया? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो तुम्हें मालूम नहीं। तुम्हारे कुनबे के सर्वनाश का चार व्यक्ति जिम्मेदार हैं। जयदेव उर्फ जेडी, जयदेव का बेटा राहुल, मारीगुड़ी और उसके भाई नागा। ये सच है कि नीरा के साथ बलात्कार हुआ, मगर उस बलात्कार से उसकी जान नहीं गई। उसके साथ जो कुछ हुआ उस बारे में वो कहीं जवान न खोले, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उसके बचाव करने तुम्हारे पिताजी आए तो उससे भी मार डाला। डॉक्टर को रुपये देकर छुट्टी रिपोर्ट लिखवाई, मगर तुम कुछ सोचे समझे बिना आवेश में आकर उससे भी मार डाला। दुर्गा, अगर मैं तुम्हारे लश्कर की अदालत में पेश करूं तो भी उनकी पहुंच के सामने तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला। इसलिए मैं किसी की जानकारी के बिना तुम्हें यहाँ ले आया। जाओ जाओ यहाँ से। तुम है इन परिस्थितियों में लाने वाले उन शैतानों को छोड़ना मत। एक एक को चुनकर मारो, अपना बदला जरूर लेना। तुम्हें पकड़ कर स्टेशन लाते समय तुम भाग गए, समय अपने बड़े अफसर से बोल दूंगा। मुझ पे विश्वास करो, भाग जाओ यहाँ से, जाओ जाओ दुर्गा। मैं खुद नौटंकी हूं, लेकिन तू मेरा बात निकला। बाप रे, दुर्गा चली गई, अब कोई मुश्किल नहीं है।
मुश्किल आपको नहीं मुझे होगी। तुम्हें क्या मुश्किल? मुझे बड़े अफसरों को जवाब देना होगा। कह दूंगा एनकाउंटर में मार दिया मैंने दुर्गा को। सर अगर हमारे डिपार्टमेंट में किसी की जान गई होती तो किसी को शक नहीं होता। इतने जोर से गोली चलाते हो मेरा कान फट गया। गुरु इसको क्यों मारा? डिपार्टमेंट से एक दो के मरने के बदले ये मर गया तो विश्वास होगा ना। बेटी तुमने मन ही मन चलकर बहुत सहा है बेटी, मौन धारण करके कैसे सहा है तुमने? मेरी बेटी की इज्जत उस मवाली ने लूटनी चाहिए तो तुम्हें गुस्सा आ गया, उसी तरह तुम्हारी बहन की भी इज्जत उन राक्षसों ने लूट ली तो तुम्हें कैसा लगा होगा? मैं समझ सकती हूँ। जाओ उनको जिंदा मत छोड़ना, तुम न्याय कर रही हो। सिर्फ मैं ही नहीं मेरी बस्ती के सारे लोग तुम्हारे लिए जान भी देंगे। खून के बदले खून ही है तो कुछ ही दिनों में इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। फिर भी दुर्गा तुम्हारी यह बात सुनकर मैं चुप नहीं रह सकता। मेरी भी 12 साल की एक बेटी है, तुम्हारी बात सुनकर मुझे उसकी याद आ गई। बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑलटुगेदर। मैं क्या कर सकता हूँ? कानून की रक्षा करने वाले एक अधिकारी के रूप में खड़ा हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत ही मैंने यूनिफॉर्म धारण किया। लुक दुर्गा आई वॉन्ट यू टू सरेंडर नाउ। मैं उन्हें कानून क्या होता है दिखाता हूँ। मुझ पर भरोसा रखो। मुझ पर भरोसा रखो। मेरे सीने में दिल है पत्थर नहीं, ये मैं जानती हूँ। मेरा विश्वास करो। आप जो फैसला करने वाले हैं वो मैं करूंगी। साक्षी से कोर्ट जो फैसला सुनाएगी अपराधियों को वही सजा मैं सुनाऊंगी। खून से रंगे तलवार पर भरोसा कर सकते हो लेकिन तुम्हारी उठाई पिस्तौल पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। हम गांव वाले हैं, किसी को नुकसान देना नहीं जानते, गर्दन पर वार करना भी नहीं जानते। मुझे पढ़ना पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं है पर सच्चाई की समझ है। पत्थर को भगवान की तरह पूजते हैं, औरतों को मां का सम्मान देते हैं, हाथ में हाथिया कुल्हाड़ी भी उठाते हैं पर किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि फसल काटने के लिए, अपने पेट भरने के लिए। संतोष पूर्वक रहने वाली मुझको इस तरह किसने बनाया? किसने? एक चीटी तक को न मारने वाली मुझको एक खूनी कातिल बनाया किसने? मैं किसी का खून नहीं करना चाहती थी पर मजबूर किसने किया? खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी नन्ही सी नीरा, मेरे बाबा, मेरी खुशी, सब कुछ खो दिया। और आज जिन्हें मैं देवता की तरह पूछती थी मेरे मास्टर जी, वो मर गए इस बात का दुख नहीं है मुझे,
दुख है कि उन दोनों कमीनों की मौत देखे बिना चले गए। सरेंडर करूंगी, सरेंडर हो जाऊंगी, लेकिन उन दोनों कमीनों को मारने के बाद सरेंडर हो जाऊंगी। मेरा विश्वास करो, मेरे होते हुए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सोई शेरनी को उन लोगों ने जगा दिया है, उनको मारने के लिए तुम क्या, वो भगवान भी नहीं रोक सकता। रुक जाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। अब तक जो भी हुआ है, बस तुम्हारी बात सुनकर मैंने अपना बेटा गंवाया। उस मारीगुड़ी को मैं नहीं छोड़ने वाला। सर, अरे गुरुवे शरणम। जेडी सर, मैं केडी सर। मैंने उस दिन कहा था ना, तुम्हारी दौलत की ताकत या तो मेरे आदमियों की ताकत। अब क्या हुआ भैया? गुरु, उसको छोड़ दो, वो मेरे भाई जैसा है। मैंने अभी भी एक भाई खोया है, यानी एक आंख गवाई है, दूसरी आंख भी चली गई। तो सुपर फिल्म दोस्ती की तरह मेरा कैरेक्टर हो जाएगा। क्या इस तरह का सिनेमा डायलॉग बोलूंगा मैं? ऐसा कुत्ता रहा तो क्या, नहीं रहा तो क्या। चलाओ चलाओ गोली, तुम्हारी गोली मेरे सीने में जाने के पहले मेरी गोली से तुम मर जाओगे। चलाओ, अपने लोगों को यहां से भेज दो। ए, इस तरफ आ जाओ। वो एक जख्मी नाग है, उसे जिंदा नहीं रहना चाहिए, कुचल कर रौन डालो। जयदेव, मेरी सिक्योरिटी को देखते हुए किसी को मुझे छूने की ताकत ही नहीं है, और मेरे पास काम करने वाला वो कुत्ता मारी कुड़ी
मुझे ही काटने चला आया। ऐसी कठिन परिस्थिति में उस परमात्मा ने मुझे बचा लिया। परमात्मा नहीं, मैंने तुम्हें बचाया। वही, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, तुमने भगवान के रूप में आके मुझे बचा लिया। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? दौलत चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए? मैंने जिंदगी में धन दौलत जमीन जायदाद कमा के रखा है, चलती अपनी एकलौते बेटे के लिए उस एकलौते बेटे को मारी कुड़ी ने मार डाला, वो अलग कहानी है। अब तुम्हें क्या चाहिए? What do you want from me? मुझे मेरी बहन दे दो, मेरे बाबा मुझे दे दो, मेरी खुशी मुझे वापस दो। कौन हो, कौन हो तुम? दुर्गा, दुर्गा परमेश्वर, दुर्गापुर की दुर्गा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, तुम तो मर गए थे। तुम जैसे पापियों को मारे बिना ये दुर्गा नहीं मर सकती। मतलब मेरे बेटे को? मैंने मारा, मारी गुड़ी के भाई को मैंने मारा, और अब तुझे मारूंगी। हाय, डॉक्टर टेक आउट द बॉडी, आई वांट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट इमीडिएटली। इंस्पेक्टर। यस सर। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो। गो गो गो। हेलो, मंगल महिमा बस्ती के निवासियों, हमने क्या कानों में रुई ठूसी है? मेरा चेहरा देखकर मुझे पागल समझ रहे हो क्या है? मरने वाला कौन है पता है? जेडी, जय देवा, राज के बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति का खून हुआ है, वो भी तुम्हारी बस्ती में। पूरा राज हैरत में है, तुम सबको देखो तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा घूम फिर रहे हो। छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। खून करने वाले को भी, खूनी का साथ देने वाले को भी नहीं छोड़ूंगा। बता दो, बोल बोल सड़क। छोटू, तू जानता है ना? पता नहीं, पता नहीं। नहीं जानता? पता नहीं। कमिश्नर रुक जाओ, कमिश्नर हमें डरा रहे हो? क्यों डरा रहे हो? खून किसने किया है?
क्या तुम्हें पता नहीं? पता नहीं है क्या? तुर मैं जानता हूं बहन, लेकिन वो नाम बाहर किसी को नहीं बताना, समझ गई ना? यही बताने के लिए मैं यहां आया हूं। सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो नाम कभी जबान पर मत लाना। पुलिस जो काम नहीं कर सकी उसने किया, उसे करने दो प्लीज, उसे करने दो, उसे करने दो प्लीज। मैं हाथ जोड़ता हूं। सर डोंट वरी सर, वी विल कैच द क्रिमिनल विद इन 24 आवर्स। यस सर। जेडी की तरह मजाक करता ना, मेरा मूड ही खराब कर दिया। आंखें बंद कर। जेडी जय देव। कमीना मरी गया ना। ए, क्या कहा था? मुझे मारने की धमकी दे रहा था ना, अब क्या हुआ? लोगों के सामने दिन धारे कुत्ते की तरह मारा गया बेचारा। और इतना होते हुए भी एक इच्छा मन में रह गई, वो कमीना मेरे हाथों नहीं मरा, बस इतना ही। फालतू कमीने सालो, कहा था ना खत्म करके आओ, खाली हाथ लौट रहे हो। कौन आ गया क्या? कोई बात नहीं, जो बात नहीं होनी थी वो हो गई, इसमें मैं बहुत खुश हूँ। मालिक भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए, बीवी बच्चों को देखकर बहुत दिन हो गए, ये सब देखकर मैं पागल हो जाऊंगा। आप सीखना चाहते लेकिन सीख नहीं पा रहे, आप नाचना चाह रहे लेकिन नाच नहीं पा रहे। नाचूंगा नाचूंगा, नाचने के बाद तुम लोगों को गांव भेजूंगा, बजाओ। इस तरह नहीं, जब कोई मरता है ना उस तरह की ढोल बजाओ। डन डन टकरा डंग, डन डन टकरा डंग। कैसे? डन टकरा डन, डन डन टकरा डन। मुंह से नहीं ढोल से। क्यों इस तरह चिल्ला रही है? कौन है तू? दुर्गा, दुर्गा परमेश्वरी, दुर्गापुर की दुर्गा। जेडी को तुम्हारे हाथों से बचाकर उसे मैंने ही मारा, तुम्हारे भाई नागा को भी मैंने ही मारा, जेडी का बेटा राहुल को भी मैंने ही मारा, अब तुझे भी मैं ही मारूंगी। Yeah.
Thank you.
मेरा काम पूरा हो गया। मेरा भी काम हो गया। हमारा डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर सका वो तुमने कर दिखाया। तहे दिल से मैंने राष्ट्रीय झंडे के सिवाय अब तक किसी को सलाम नहीं किया था। जाओ, तुम्हारी बहन की आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। सर, ना तुमने कुछ किया ना मैंने कुछ देखा।